सामान्य बैकग्राउंड के लोग या कमजोर बैकग्राउंड के लोग आते हैं और उनको कैसे करना चाहिए। ये एक बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही दुखद चीज हो गई है कि ये जो सिविल सेवा या कोई भी कंपटीशन आज की तारीख में बहुत ज्यादा कोचिंग ओरिएंटेड हो गया है और जहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ये बड़ी दुखद उसकी बात है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं बनारस में था और दिल्ली में एक कोचिंग या दो कोचिंग चलता था उस समय। आप पहली बात तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप जो है बहुत ही गरीब गरीब परिवार से हैं और बहुत कमजोर परिवार से हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपके कपड़े वैसे नहीं हैं और आपकी स्टाइल वैसा नहीं है, आपके पास वो सब चीजें दिमाग से, वो सब चीजें अल्टीमेटली दे डोंट रियली मैटर। जो ये सब जो सारी चीजें होती है शायद आपको 5% 10% का फर्क करती है, हालांकि वो 5-10% भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेरे ख्याल से यू कैन मेक अप फॉर दैट। ये दूसरी बात है कि अगर कोई चीज आपको चाहिए होती है, जैसे आपको आज के इस जमाने में पढ़ने के लिए शायद एक फोन या कंप्यूटर तो चाहिए होता है, कुछ चीजें कभी देखनी होती हैं तो वो तो चाहिए होती है, वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं तो वो तो चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आपको जिस तरीके से भी यू हैव टू मोबिलाइज योर रिसोर्सेज, आप उधार लीजिए जहां से, ये मत सोचिए कि किसी बहाने के कारण कोई चीज रह गई, हालांकि इससे ज्यादा कोई चीज की जरूरत नहीं होती। अगर आप रहने और खाने का आपका जुगाड़ हो गया है तो मेरे ख्याल से यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग बियॉन्ड इंटरनेट सोर्स जिसको आप इस्तेमाल कर सके, उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जरूरत होती। और सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि आपकी मेंटल टफनेस, कि हमें आई हैव टू मेक इट डिस्पाइट एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन पीपल मेकिंग सिविल सर्विसेज, मेकिंग टू सिविल सर्विसेज डिस्पाइट ऑल ऑड्स एंड दे ओवरकम। और सिविल सर्विसेज का शायद सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं में जो बड़ा फर्क है वो ये है कि ये मेंटल टफनेस आपकी टेस्ट करता है। हालांकि मैंने देखा बहुत एवरेज आईक्यू के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि परीक्षा का अब तो खास करके अभी जो परीक्षा हो रही है उसमें यू डोंट हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। पहले के जमाने में होता था, हम लोग जो परीक्षा देते थे तो ज्यादातर टॉपर्स लोग आते थे, कि 100 में से 80 लोग टॉपर टाइप के, 90 लोग टॉपर टाइप के होते थे। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एवरेज, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा आसान हो गई है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा का नेचर बदल गया है और उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि डिस्पाइट हैविंग स्टडी, डिस्पाइट नॉट हैविंग स्टडीड इन IIT कानपुर, IIT दिल्ली और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंट स्टीफेंस, यू कैन मेक इट टू सिविल सर्विस।